सभी लोग, आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो एक बहुत ही अच्छी होने जा रही है। अगर आपको लगता है कि आपके फेस जो है थोड़ा ब्लैक हो गया है, या स्किन थोड़ा डल लग रही है, या स्किन कहीं कहीं से पैची टाइप की फील हो रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आज हम उसी प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। और आप मुझे इस तरह से देख रहे होंगे कि ये आज मैम किस तरह से आज बैठी हुई हैं, क्या करने जा रही हैं। तो हाँ गाइस, मैं एक प्रोडक्ट आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, एंड उस प्रोडक्ट की डिटेल्स मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। देखिए, ये वो प्रोडक्ट है, नेचर्स एसेंस गोल्ड ब्लीच के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। लुक एट दी गाइस। जी एक्चुअली मैं चाह रही थी कि फेस ना थोड़ा सा डल फील हो रहा था मेरे को, तो कि मेरे को लगा कि चलो आज ये प्रोडक्ट ट्राई करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं इस प्रोडक्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इस प्रोडक्ट के साथ में। गाइज, जो प्रोडक्ट का नेम है वो है नेचर्स एसेंस गोल्ड ब्लीच, एंड अगर हम इसकी नेट क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये हमें 37 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाता है। एंड जो है इसकी सेल्फ लाइफ की अगर हम बात करें तो 1 ईयर की आपको सेल्फ लाइफ मिल जाती है। एंड इसकी जो प्राइस है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, एंड ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है। आप ओपन मार्केट से भी जाके ले सकते हैं, एंड आप ऑनलाइन भी इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन में ये है कि ये प्रोडक्ट आपको 20% या 30% ऑफ में अवेलेबल है, इजीली आपको मिल जाएगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आप कहीं से भी ऑनलाइन आप इसको परचेज कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग ये है कि अभी ऑफ चल रहा है, अमेजोन पे भी सेल चल रही है, और अभी कुछ ऐप्स पे ना सेल भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल जो बातें हैं मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले, आपको क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि 7 पॉइंट्स जो हैं मैंने नोटिस किए हैं कि हाँ, अगर ऐसा है तो हमें इस प्रोडक्ट को किस तरह से अप्लाई करना है, अगर हमारी स्किन इस तरह की है तो हमें ये प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है। तो फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट पॉइंट जो है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको फर्स्टली आपको पैच टेस्ट करना है। मैं आपको हर वीडियो में ये बताती हूँ, जिस भी प्रोडक्ट का मैं रिव्यू आपके साथ में शेयर करती हूँ, कि फर्स्टली आप पैच टेस्ट ज़रूर करो उस प्रोडक्ट के लिए। ओवरनाइट थोड़ा सा आप अपने ईयर के बैक में यहाँ लगा करके छोड़ दें प्रोडक्ट को, ओवरनाइट आप उसको रहने दें, और मॉर्निंग में आप देखें आपको आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है तो आप उसको ईजिली ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट आपका ये है, अगर आपकी एक्ने प्रोन जो स्किन है, अगर आपका स्किन एक्ने प्रोन है, अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी एलर्जी है, अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, तो आप इस प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे, आप नहीं इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। थर्ड थिंग जो है, अगर आप इस प्रोडक्ट की हम बारे में बात करते हैं, तो तीसरा पॉइंट ये निकल के आता है, जो भी इसके अंदर क्रीम है, इसकी मैं अभी डिटेल आपसे बात करूंगी प्रोडक्ट के बारे में कि हमें मिलता क्या क्या है, लेकिन ये जो मेन पॉइंट है मैं आपको फर्स्टली क्लियर कर रही हूँ। थर्ड जो पॉइंट है इसके अंदर, आपको इस क्रीम को और इसमें एक एक्टिवेटर मिल जाता है जो आपको ब्लेंड करना है। अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक पैलेट लेना है, या तो आपका पैलेट प्लास्टिक का होना चाहिए, या फिर वो पैलेट आपका वुड का होना चाहिए, वुड यानी कि लकड़ी का होना चाहिए, कोई भी आप पैलेट ले सकते हैं, इन दोनों में से आपकी चॉइस है, जो भी आपके पास में अवेलेबल है आप उसको ले सकते हैं। एंड देन आपको उसको मिक्स करना है स्पैचुला की हेल्प से, आपको फिंगर भी यूज़ नहीं करना है उसमें, आपको सिर्फ स्पैचुला ही यूज़ करना है, जो या तो आपका वुड का हो सकता है या फिर आपका प्लास्टिक का हो सकता है, जो भी इसके अंदर स्पून डाला गया है आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अब आती है फोर्थ पॉइंट की,
अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें ये आ जाता है, अगर आपने इंस्टेंटली इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है तो इसके बाद में आप ना तो कोई स्ट्रॉन्ग क्लिंजर का यूज़ करेंगे और ना ही स्क्रब का यूज़ करेंगे। आपको ना क्लिंजर यूज़ करना है फेस पर और ना ही कोई हैवी या स्ट्रॉन्ग आपको स्क्रब यूज़ करना है। ओके, देन अगर आपने इस प्रोडक्ट को ट्राई किया है, अगर आपने यूज़ किया है, देन इसके एक मतलब जस्ट एकदम के बाद में ही ना आपको बाहर नहीं जाना है, सनलाइट में नहीं जाना है, क्योंकि उससे स्किन हमारी हार्श हो सकती है और जल सकती है। नंबर सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आप ये इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो उससे अगर अभी ट्राई करना है तो उससे 2 मिनट पहले ही आप इसको एप्लीकेटर की हेल्प से आप इसको ब्लेंड करके 1-2 मिनट के अंदर ही आपको ब्लेंड करके और तभी अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। इसको छोड़ कर नहीं रखना है कि आपने 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ के रख दिया और तब आप उसको अप्लाई करना है, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है। सेवेंथ जो पॉइंट है वो हमारा ये रहेगा कि आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रोडक्ट, अगर आप इस प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद में आपको लगता है कि आपकी स्किन पर कोई भी इरिटेशन हो रही है, बर्निंग हो रही है या फिर कोई बहुत ज़्यादा इचिंग टाइप से हो रही है, जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप इस आपने करना है कि आपने इसको उतार देना है, आपने कोल्ड वाटर लेना है एंड देन उससे आपने फेस वॉश कर लेना है, इसको क्लीन अप कर देना है, तो हमने इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना है। तो जो 7 पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया, आई होप कि ये आपको समझ आ गए होंगे और ये पॉइंट, इन पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक सो कि कोई इतना क्लियरली आपको बताता होगा जो मैं आपके साथ में ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है मुझे मालूम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनर पैकेजिंग चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, ये इस प्रोडक्ट की इनर पैकेजिंग देख लेते हैं। ये आपकी आउटर पैकेजिंग है। इनर पैकेजिंग में हमें क्या क्या मिल जाता है, एक हमें इस तरह का जो है एक टब मिल जाता है जिसमें हमारा क्रीम का है, मैं अभी क्रीम आपको दिखाती हूँ, एंड ये हमें एक्टिवेटर मिल जाता है। इसमें जो है एक्टिवेटर है, जो इसकी क्वांटिटी है 6 ग्राम की हमें मिल जाती है। ठीक है, सेकेंड जो प्रोडक्ट है इसमें ये है, एंड जो थर्ड वन जो इसके अंदर प्रोडक्ट है वो स्पैचुला है। ठीक है, इसमें कोई पैलेट नहीं दिया गया, मे बी कि शायद पैलेट आया हो, मैंने निकाल के कहीं और रख दिया हो, डोंट नो, बट इसमें मेंशन नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो हमें इसमें 3 चीज़ें मिल जाती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, हमें ये थर्ड टब मिल जाता है, एक्टिवेटर हो गया हमारा, स्पैचुला एंड हमें आपको ये क्रीम का टब मिल जाता है। तो इसकी देख लेते हैं कि ये हमारा कैसा होता है और किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरह से हम इसको ओपन करेंगे, जो कि क्रीम का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है, लुक एट दिस गाइस, ये इस तरह की क्रीम होती है। एंड मैं अगर इसको अप्लाई करती हूँ तो मैं इसी पर ही ले लेती हूँ, यहाँ पर ना जो इसका ये टॉप है, एंड जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आप उतना लीजिए। अगर आपको नेक पे भी अप्लाई करना है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड मेरे को सिर्फ फेस पर अप्लाई करना है, अगर ज़्यादा मुझे कहीं अप्लाई नहीं करना है तो मैं इसको ले लेती हूँ जितना मेरे को चाहिए कि हाँ मेरे फेस के लिए एनफ है, तो उतना मैं ले लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने इस पर ले लिया है। एंड अगर हम एक्टिवेटर की बात करते हैं तो इसका लुक कैसा है, इसका जो स्ट्रक्चर कैसा है वो भी मैं आपको बताती हूँ, दिखा देती हूँ। ये ना पाउडर की फॉर्म में आता है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा जो इसका शेड है ना येलोइश टोन में है, ये देखिए। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करें, आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप ज़्यादा ना इसको यूज़ करें, कम इसको यूज़ करें, 1-2 पिंच ही जो है इनफ होता है स्किन पे। तो अगर आपके फेस पे ज़्यादा हेयर है तो उसको ये कलर कर देता है, ब्राउन में इसको कन्वर्ट कर देता है। देन
आपका कलर इससे और ज़्यादा फेयर लगता है, और जो भी आपकी डेड स्किन होती है ना फेस पे, इसको भी ये रिमूव कर देता है इजीली। तो और एक ग्लो प्रोवाइड कराता है हमारे फेस पे। तो जितना मुझे को नेट क्वांटिटी चाहिए थी वो हो चुकी है। एंड अब आप देखिए, मैं इसी के साथ ही इसको रब कर रही हूँ, और इसको तब तक रब कीजिए कि ये जो है इसके अंदर डिजोल्व ना हो जाए, तब तक आप इसको ब्लेंड कीजिए। इजीली ब्लेंड हो जाता है विद इन, आप करेंगे ना विद इन 1-2 मिनट के अंदर ही ये ब्लेंड हो जाता है। इसको किस तरह से अप्लाई करना है वो भी मैं अभी आपके साथ में शेयर करती हूँ। ओके, तो चलिए गाइस देख लेते हैं कि इस क्रीम को आपने किस तरह से अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने फेस को बिल्कुल क्लीन कर लेना है। आपके फेस पे कुछ भी मेकअप नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, आपके कानों के जो है इयर रिंग्स वगैरह नहीं होने चाहिए आपके, और ना ही आपके नेक में कुछ होना चाहिए। अगर आप इसको नेक पे अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं। मेकअप तो मैंने ऐसा जैसा कुछ किया नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ एक एलोवेरा जेल अप्लाई किया था एंड लिपस्टिक लगा हुआ है मेरा, तो लिपस्टिक से तो फोटो पे तो अप्लाई करना नहीं है। तो चलिए एलोवेरा जो जेल था उसको हम रिमूव कर लेते हैं। ये आपको पता ही है कि मैं अपने इस क्लींजर से ही फेस को क्लीन अप करती हूँ। बहुत अच्छा है, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। विटामिन सी का है, एक्ने प्रोन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, ऑल स्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बिल्कुल क्लीन अप कर देता है आपके ना जो भी डर्ट होती है फेस पे, बिल्कुल क्लीन कर देता है आपके फेस को ना। तो अप्लाई कर लेते हैं। अभी आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा ना फ्लॉपी टाइप से हो जाता है, फूल जाता है ये। जैसे ही आप इसको ब्लेंड करते हैं ना, और जो एक्टिवेटर होता है वो ना फूल जाता है, इसको फ्लॉपी बना देता है, फुला फुला सा है। तो लेट्स स्टार्ट। आपको ख्याल रखना है कि आपको अपनी आईज के आसपास अप्लाई नहीं करना है, आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है, बट आईज को अवॉइड करना है। इतना होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना है कि इसको लगा के ना अगर आपके फेस पे कुछ इरिटेशन होता है, बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है, तो आपको इमीडिएटली, आपको वेट नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट को रिमूव कर देना है फेस से, ठीक है। अगर आपको उसके बाद में कुछ लगता है कि फेस पे आपको ज़्यादा ही बर्निंग हो रही है, टॉलरेट नहीं हो रहा है, या आपको कोई दाने वाने निकल रहे हैं, तो आप भाई अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें फिर इसके प्रोडक्ट में। मैं आपको फिर रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि आप इस ये प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर इतनी सभी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इस प्रोडक्ट को अप्लाई ना करें। ओके, ये जो आपकी हेयर्स होते हैं फेस पे, उसको गोल्डन उसमें कन्वर्ट कर देता है, कलर चेंज कर देता है ये। तो आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से ना ग्लो आ जाता है एंड क्लीन अप हो जाती है स्किन आपकी बहुत ही अच्छे से। ये नहीं है कि अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आपने फटाफट, अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है आप इसको अप्लाई कीजिए फेस पे एंड आप अपने फंक्शन के लिए रेडी हो सकते हैं, जो भी आपने फंक्शन अटेंड करना है ना। आईब्रोज को भी अवॉइड करना है, आईब्रोज पर भी ये नहीं आना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं गाइस आफ्टर 15 मिनट्स के बाद में। ओके हाय गाइस, अब मुझे 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं मेरा फेस को ना क्लीन करती तो है ना हल्का सा ना टाइट बन आ जाता है, और ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। फेस को क्लीन करते हैं और मिलते हैं।
मुझे तो ना ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगता है और मेरी स्किन को सूट भी करता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है इस प्रोडक्ट को लेकर के तो आप इसको प्लीज़ ट्राई ना करें, ठीक है। अच्छे से फेस को ना क्लीन कर लें। ड्राई आउट कर लीजिएगा फेस को, पर आपको ना कुछ अप्लाई नहीं करना है फेस पे, आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना है फेस के ऊपर ना। तो देखिएगा मेरे को तो ना काफ़ी अच्छा लग रहा है अपना फेस, क्लीन, काफ़ी क्लीन अप लग रहा है और देखिए ग्लो भी आया है। ये तो है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है ये प्योर लाई वाला ब्लीच ना। आप भी ट्राई कीजिएगा जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आज का हमारा जो गिव अवे का क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि मुझे, मैंने जो इसमें प्रिकॉशंस बताए हैं आप लोगों को, वो प्रिकॉशंस कितने पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स को ना राइट डाउन करके मुझे इंस्टा पर डीएम करना है, सिर्फ आपको यही करना है। तो चलिए अब क्लोज करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों के लिए ध्यान में रखना होता है, प्लीज़ आप रखिएगा ध्यान में, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं एक और अच्छे से कंटेंट के साथ में, अच्छे से प्रोडक्ट के साथ में। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय।